फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है। मतलब एंटी है यार, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। आज हम उस बेवफा की बात करेंगे जिसका नाम है एंटी। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पे करते हैं काम, जगाते हैं अंदर परशुराम। मेरे साथ साथ बोलिए श्री राम। मतलब एनटीए ने क्या किया यार, सबसे पहले 12th वाले बच्चों को साल भर पढ़वा दिया, उसके बाद साल भर पढ़ाने के बाद उनको बोल दिया कि तुम्हारा एग्जाम 12th का नहीं होगा, 12th का एग्जाम कैंसिल कर दिया। किया तो किया, लेकिन 1 अगस्त नीट का डेट दे दिया। यार नीट का 1 अगस्त का तुमने जो डेट दिया है, कम से कम अभी आप इस सिचुएशन में उसको हैंडल नहीं कर सकते तो डिले करने का डेट तो दे दो। मतलब तुम्हारे पास प्रतिभा तो है पर साधन नहीं है। बेटी प्रतिभा है तुम में, साधन नहीं है। अब एक ही लाइन यहाँ फिट बैठती है। स्टूडेंट एंड पेरेंट भी लाइक, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। यार ऐसा लग रहा है एनटीए तो क्लास की वो लड़की है जो मैडम को खुद याद दिला देती कि मैडम आज आपको कॉपी चेक करना, और लास्ट में उसके खुद के कॉपी इनकम्प्लीट हुआ करते थे। मतलब खुद की जिंदगी के आग लगे पड़े हुए और दूसरों की जिंदगी की ऐसी तैसी किए जा रही है। एनटीए से अच्छे तो हमारे टिकटॉक के आमिर भाई है, कम से कम खुद सामने आके खुद को रोस्ट तो कराए, कैरी भाई का सामना करने का हिम्मत तो किया। यहाँ एनटीए वालों को गवर्नमेंट बचानी है, गवर्नमेंट देखना है, वो सामने आके ये भी नहीं बोल पा रही कि बच्चों का एग्जाम होगा या नहीं होगा या किस डेट पे होगा। यार पहले आपको तो एक काम करना चाहिए कि नीट का एग्जाम कैंसिल होना, उस चीज को सबसे पहले सामने आके बता दो। बच्चा अपनी स्ट्रेटेजी 1 अगस्त के हिसाब से बनाया हुआ है, वो स्ट्रेटेजी वो बदल लेगा। और उसके बाद आप फाइनल डेट ना दे पाए, कम से कम फॉर्म तो निकाल दो। फॉर्म निकालने से एक तसल्ली तो रहेगी, बच्चों के मन में ये तो रहेगा कि आज से 1 महीने 2 महीने बाद एग्जाम होने वाले, उस हिसाब से वो अपनी तैयारी रखेंगे। आपने पहले तो 1 अगस्त का डेट दिया, जब तुम्हें एग्जाम कराना ही नहीं था तो डेट दिया ही क्यों था। यार बच्चा साल भर तैयारी करता है, मेहनत करता है, नोट्स बनाता है, प्रिपरेशन करता है, फिर उसके बाद आप 1 अगस्त का डेट दे देते हैं। 1 अगस्त के डेट को चलते हुए बच्चा अपनी स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग रखता है, मेहनत कर रहा होता है, फिर आप अचानक से आके बम फोड़ दोगे कि यार 1 अगस्त को एग्जाम हम नहीं लेने वाले, वो कुछ दिन बाद लेने वाले हैं। जब तुमको बाद में लेना था तो ये चीज़ आप पहले ही क्लियर कर दो। हम समझ रहे हैं ये सिचुएशन सबके लिए मुश्किल है, लेकिन डिसीजन लेना आपका काम है, आप ऊपर बैठे हुए, आप सुपीरियर लोग हैं, आपको कम से कम स्टूडेंट की एंजाइटी को समझना चाहिए, उनके दिमाग पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, उनकी तैयारी कितनी खराब हो रही है, इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। यार एनटीए तो अभी वही हरकत कर रही है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम लोग बस अच्छे दोस्त हैं। मतलब तुम यार हमको भाई जोन फ्रेंड जोन करते चले जा रहे हो, कोई डेट नहीं दे रहे हो, आगे बता नहीं रहे हो होना क्या है क्या नहीं होना है। मेरा सिर्फ गवर्नमेंट से ये कहना है कि आप कम से कम एटलीस्ट नीट के फॉर्म तो निकाल दे, तो कम से कम एक तसल्ली बनी रहेगी बच्चों को कि एग्जाम कुछ दिन में होने जा रहे हैं। नहीं तो कम से कम आप 2 महीने पीछे कर दें एग्जाम, हम अपनी स्ट्रेटेजी उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। टाइम टेबल बनाना पड़ता है यार, मेरे दीवार पे इतने सारे टाइम टेबल बने हुए हैं, सबको मैंने फाड़ा है, अभी फिर वापस से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। गजब बीत जाती है, गजब बेइज्जती है। बार बार टाइम टेबल बनाते बनाते मेरे घर वाले भी परेशान हो गए। तो मेरा बस बच्चों से ये कहना है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलता है माया, चलता है। ओम का परीक्षण लाखों वर्ष पहले ऋषि कणाद ने किया था इस धरती पर। हमारा ज्ञान और विज्ञान में कोई कमी नहीं है। जिस बारे में हास्यास्पद स्थिति में कहा जा रहा था कि गणेश जी का शीर्ष अलग हो गया और दक्ष प्रजापति का शीर्ष अलग हो गया तो वो सर्जरी थी, जी थी वो पूरी दुनिया में, वो विज्ञान कहाँ है जो हमारे पास है। सिर से धड़ अलग होने पर उस धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण करने का यदि विज्ञान था, वो गणित थी, वो ज्ञान था, तो केवल हिंदुस्तान की धरती पर